और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां कई इलाकों में रविवार देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में यहां नदियां उफान पर है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि ऊना और नाहन में बारिश से हालात बेहद खराब हो गए। रिहायशी इलाकों तक बारिश का पानी पहुंच चुका है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, यानी हिमाचल प्रदेश को आज राहत मिलने के आसार नहीं है। इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। कई जगह लैंडस्लाइड हो रही है, नदियां उफान पर हैं, रिहायशी इलाकों में पानी घुसा हुआ है। ऊना और नाहन में भारी बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नाहन में मारकंडा नदी का जलस्तर उफान पर है और ये नदी रौद्र रूप लेकर के तबाही मचा रही है। तो बाढ़ की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये डरावनी भी लग सकती हैं, लेकिन ये चेतावनी भी है। इन जिलों का अगर आप रुख कर रहे हैं या आप यहाँ रहते हैं तो फिर आप सतर्क हो जाइए। इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से देश के कई राज्य बेहाल हैं और ऊना में उफान पर नदियां देखिए सड़कों पर पानी भर गया है, सड़क पूरी तरीके से डूब चुकी है। जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ ये मटमैला पानी आपको नजर आएगा, ये नदी और सड़क में फर्क कर पाना मुश्किल। और यहाँ देखिए रिहायशी इलाकों के बीच से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, यानी नदी ने पूरी तरह से रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है और लोग कुदरत के इस कहर के आगे पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में अभी कुछ एक दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है। चारों तरफ पानी ही पानी, जलस्तर काफी बढ़ा हुआ। ऊना में भारी बारिश हुई है, सड़क पर डूबी हुई कार जो है वो बह करके आ चुकी है, नदी का हिस्सा बन चुकी है, ऐसा लग रहा है नदी में बहती हुई यहां तक आ गई है। हिमाचल प्रदेश में अभी आने वाले दिनों में राहत नहीं, बाढ़ बारिश की वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। ऊना का ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। ऊना में भारी बारिश के बाद किस तरीके की स्थिति है ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हुई और यहां सड़क नदी में फर्क कर पाना मुश्किल है। यहां सैलाब सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा है। अलग अलग जगह की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ पहाड़ ही नहीं मैदानी इलाके भी इससे ग्रस्त हैं। राजस्थान में भी कमोबेश कई जिलों में यही स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा दिल्ली NCR में भी रविवार को हुई बारिश के बाद जल जमाव जगह जगह पर देखने को मिला है। और फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, देखिए किस तरीके से हिमाचल में जन सैलाब यहां पर देखने को मिला। लोग भी यहां पर फंसे हुए नजर आए इस सैलाब में, एक दूसरे को बचाते नजर आए लोग। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी बारिश के बाद नदी किस तरह से उफान पर है, नदी में जबरदस्त करंट देखने को मिल रहा है। उफान में है मारकंडा नदी और इस बीच रिहायशी इलाके इसकी चपेट में आ चुके हैं। जल प्रलय जैसे हालात नजर आ रहे हैं। पानी न सिर्फ इसका जलस्तर बढ़ा हुआ है बल्कि पानी की रफ्तार भी काफी तेज है और ऐसे में जो कुछ भी मारकंडा नदी की चपेट में आ रहा है वो डूब जा रहा है। आसपास का इलाका जलमग्न हो चुका है। तो हालात आपके सामने हैं। देखिए हालात ये हो गए हैं कि मारकंडा नदी पर बनकला के पास बना ये मारकंडे मंदिर और उसके साथ साथ बना हनुमान मंदिर नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे से दूर रहने की अपील की है। नदी की धारा जो है वो प्रचंड वेग से बह रही है और तस्वीरें साफ साफ देखी जा सकती हैं। पूरी तरह से नदी के किनारे बने हुए मंदिर डूबे हुए हैं और जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है, पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि प्रशासन को ये अलर्ट जारी करना पड़ा है, नदी के किनारों से दूर रहें। नदी इस वक्त काफी खराब मूड में नजर आ रही है और उसकी वजह है लगातार हो रही बारिश। इसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में पानी की रफ्तार काफी तेज है, मारकंडा नदी उफान पर नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के कारण पानी घरों और दुकानों में घुस चुका है। वहां से आई तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है और गाड़ियां भी वहां फंसी हुई नजर आ रही है। तो रिहायशी इलाके पूरी तरह से पानी की चपेट में नजर आ रहे हैं। ऊना में उफान पर नदी, मारकंडा नदी और सड़कों पर पानी पूरी तरह से भर चुका है। आने वाले दिनों में अभी राहत की उम्मीद नहीं है। पहाड़ी इलाके अभी प्रचंड आपदा की मार झेल रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और देश के अलग अलग इलाकों में, एक बार फिर से आपको देश के मौसम की बात करते हुए बता देते हैं क्या है जानकारी। इस वक्त देश के कई राज्य मौसम की मार झेल रहे हैं, खास करके हिमाचल प्रदेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखिए, जहां एक तरफ हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आई तो दूसरी तरफ अब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वहां की सड़कें, जमीन सब पर इसका असर
पड़ता नजर आ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब नेशनल हाईवे की सड़कें तक धंसने लगी हैं। दो तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से नेशनल हाईवे में दरार आ गई, सड़क गायब हो गई है, पानी में बह गई है। और दूसरी तस्वीर जिसमें एक भीषण लैंडस्लाइड दिख रहा है, लैंडस्लाइड यानी पहाड़ टूट करके बड़ा हिस्सा मलबे का, चट्टानों का, मिट्टी का गिरता है और वहाँ एक पेट्रोल पंप है उसके ऊपर आ गिरता है। और ऐसे में वहाँ जो लोग ये वीडियो बना रहे थे उनकी भी चीखें निकल गई हैं। दो तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की आप देखिए। और अब मौसम के कहर के बीच में जीवन दान की एक तस्वीर आई, आपको दिखाते हैं हिमाचल में किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक इस तस्वीर की काफी चर्चा हो रही है क्योंकि नाहन का है ये मंजर, जहां भारी बारिश के बाद मारकंडा नदी का जलस्तर जो काफी बढ़ गया था और ऐसे में जो दूसरी तरफ फंस गए थे लोग उन्हें बचा करके दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। भारी बारिश की वजह से नदी के दूसरे किनारे कई लोग फंस गए। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत राहत का काम शुरू किया। देखिए जेसीबी की मदद से लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित ये सफल रेस्क्यू ऑपरेशन इनका किया गया है। लोग फंसे हुए थे नदी के दूसरे छोर पे और इन्हें सही सलामत निकाल करके पहुंचाया गया। तो देश के कई हिस्से इस वक्त बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिले बाढ़ के चपेट में हैं। किन्नौर में भी बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नदियां उफान पर है, हर तरफ जोरदार बारिश हो रही है जिस वजह से बाढ़ से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। न सिर्फ हिमाचल, अंबाला में भी मूसलाधार बारिश हुई, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गुरुग्राम में बारिश से जगह जगह सड़कों पर जलभराव हो गया। वहीं राजस्थान के जयपुर में कल बारिश के बाद अभी भी कई जगहों पर जलजमाव है। कर्नाटक के बेंगलुरु में तेज बारिश हुई है और सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीरें। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां बाढ़ बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। एक दिन में 15 लोगों की मौत हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि कई जिलों में स्कूल को बंद करना पड़ा, इसके आदेश जारी कर दिए गए। कुछ जिलों में तो 8वीं तक, तो कुछ जिलों में स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए। आज भी मौसम विभाग ने राजस्थान के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से राजस्थान में भारी बारिश की बाद जलस्तर बढ़ा हुआ है और रिहायशी इलाके इतने बुरी तरह से पानी की चपेट में आ चुके हैं राजस्थान में कि वहां अलर्ट जारी करना पड़ा है। एक दिन में 15 लोगों की जान चली गई है राजस्थान में अकेले। और ऐसे में हालात को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद किया गया है। कुछ जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं, तो कहीं कहीं स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और देखिए अचानक से ये रिहायशी इलाकों में पानी आ चुका है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 21 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं जयपुर के कानोता डैम में 5 लड़के वहां बह गए, 2 शव बरामद किए गए हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है देर रात से ही। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है रात में भी। और ये भी आदेश जारी किए गए हैं कि स्कूल बंद रहेंगे, निजी हो सरकारी हो, सभी स्कूल के लिए आदेश जारी किया गया है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। येलो अलर्ट है राजस्थान के 21 जिलों में बारिश को लेकर। तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि हमारा जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से क्यों ध्वस्त हो जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। और आपके टैक्स का पैसा कहां जाता है, जी न्यूज ये सवाल उठा रहा है। जयपुर, चंडीगढ़ और इसके अलावा अलग अलग शहरों का हाल आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पूरी तरह से गुरुग्राम हो या फिर दिल्ली, थोड़ी सी बारिश होती है, अगर थोड़ी ज्यादा बारिश हो गई है तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सिविक जो एमिनिटीज होती हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। और तो और सड़कें धंसने लगती हैं, सड़कों पर पूरी तरह से पानी भर जाता है, लोगों के लिए अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में आम जनता बार बार ये सवाल पूछती है कि जो हम टैक्स दे रहे हैं आखिर वो पैसा जाता कहां है। देखिए जयपुर में पिकनिक मनाने आए एक युवक कानोता बांध में डूब गया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही शाम से कानोता बांध में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। दरअसल ये हादसा हुआ है कानोता डैम में, जहां 5 युवक डूबे हैं। एक युवक अपने 4 साथियों के साथ वहां पहुंचा था लेकिन हादसे का शिकार हो गया। 2 शव बरामद किए जा चुके हैं, 3 शवों की तलाश की जा रही है। देखिए डैम में जो है हादसे से पहले इसी तरह लोग वहां पर मस्ती कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जलस्तर बढ़ा तो 5 लोग फंस गए और उनको अब तलाशने के लिए वहां जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार जुटी हुई हैं। इस अभियान में SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें लगी हुई हैं। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस कमिश्नर
मौके पर पहुंचे और इसके अलावा एडीएम और तहसीलदार भी नजर बनाए हुए हैं हालात पर। ये तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात इस वक्त देश भर में है, बारिश की वजह से कैसे बाढ़ जैसे हालात है कई राज्यों में। अलग अलग राज्यों की शहरों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। नाहन अम्बाला की तस्वीर देखिए, करौली में ये तस्वीर और ये हालात देखिए, गुरुग्राम की भी तस्वीरें, दिल्ली की, किन्नौर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। पहाड़ से लेकर के यानी कि मैदानी इलाकों तक हर जगह आपको पानी का सैलाब नजर आएगा। तो 12 कैमरों की नजर से आप अंदाजा लगाइए कि जो उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाके हैं वो कितने बुरी तरह से इस वक्त मौसम की मार झेल रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, पाली जिले में भारी बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ के घरों में कई फीट तक पानी जमा हुआ है। लोग यहाँ भले ही मस्ती करते हुए दिख रहे हों लेकिन उनकी मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। महिलाएं यहाँ पर स्विमिंग ऐसा लग रहा है सीखती हुई नजर आ रही हैं। तो जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों का जो आम जनजीवन है वो भी प्रभावित हुआ है। और ये तस्वीरें हम राजस्थान के पाली की दिखा रहे हैं, बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं, लोग फंसे हुए हैं, आवाजाही पूरी तरीके से बंद और स्थिति ऐसी आ गई है राजस्थान के कई जिलों में कि स्कूल को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान की सड़कों का हाल इस वक्त आपके सामने है। राजस्थान के पाली जिले की हालत क्या है ये तस्वीरें उसको बयां करती हुई, कैसे ये पानी सड़कों पर बहता नजर आ रहा है, ये सैलाब सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा। ये तस्वीरें राजस्थान की दिखा रहे हैं। 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है राजस्थान में। जयपुर के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है मौसम को देखते हुए। आने वाले कुछ दिनों बारिश के अनुमान है और बारिश इसी तरीके से होती रहेगी। तो राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर अभी जारी है। बीकानेर में भी तेज बारिश के बाद जो रिहायशी इलाके हैं वो जलजमाव की चपेट में आ गए हैं। भारी बारिश की वजह से बीकानेर में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बीकानेर में भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया और तेज धारा बन गई है पानी की। ये तस्वीरें बीकानेर की भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां भारी बारिश के बाद कुछ इस तरीके से तेज धारा पानी की सड़कों पर नजर आई। लोग एक साइड खड़े होकर के सुरक्षित रास्ते की तलाश में नजर आए लेकिन ये पानी देखिए किस तरीके से सड़क के बीचों बीच पानी की ये तेज धारा जिसे पार कर पाना बेहद मुश्किल, खतरे से खाली नहीं। तो राजस्थान इस वक्त मौसम की प्रचंड मार झेल रहा है, लगातार हो रही है बारिश और ऐसे में जलजमाव के साथ साथ जो बाढ़ जैसे हालात हैं लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बने हुए हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कुदरत का कहर कब थमेगा और सड़क पर ऐसा लग रहा है कि नदियों ने कब्जा कर लिया है। तो उत्तर भारत मध्य भारत सब जगह कमोबेश एक जैसे हालात है और आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम का हाल जहां पर सिविक सर्विसेज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। सड़क पर इतना पानी भरा हुआ है कि लोग यहां पर स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पॉश इलाके अगर आप घर इस तस्वीर में देखें तो दूसरी तरफ आपको आलिशान मकान दिखेंगे लेकिन बीच में गले तक पानी में लोग डूबे हुए हैं और जो सड़कें हैं जो हाईवेज हैं वहां भी पानी पूरी तरह से जमा हुआ है। जल निकासी के इंतजाम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। सिविक जो है जो हमारी सुविधाएं होती हैं बुनियादी सुविधाएं वो फिलहाल गुरुग्राम में मिलती हुई तो नजर नहीं आ रही हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। गुरुग्राम का हाल आप देख सकते हैं, सड़कें पानी से लबालब हैं और यहाँ ड्रेनेज सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि हर बारिश में हर साल गुरुग्राम लगभग डूब जाता है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जहां सोसाइटी में भी पानी घुसा हुआ है, लोग इस तरीके से सोसाइटी से निकलते नजर आ रहे हैं, पानी गले तक लोगों के भरा हुआ है और लोग इसको पार करने के लिए मजबूर हैं। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर निकलना पड़ता है और गाड़ियां भी जब यहां से गुजर रही हैं आप अंदाजा लगाइए अगर सड़क पर गड्ढा हो जाता है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है क्योंकि पानी भरा हुआ है सड़क पर हर तरफ। ये तस्वीरें गुरुग्राम की हम आपको दिखा रहे हैं जहां सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। तो पहली तस्वीर देखिए गुरुग्राम का हाल, यहां सड़क पर ये साइबर सिटी है, यहां आलिशान चमचमाती इमारतें हैं, सड़कें काफी चौड़ी चौड़ी हैं लेकिन यहां सड़क पर इस वक्त सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। गाड़ियों को देखिए आप, अगर पानी का जो स्तर है लगभग 2 से 3 फुट तक पानी सड़कों पर भरा हुआ है यानी जल निकासी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और गुरुग्राम के निवासियों के लिए मुश्किलों का कोई अंत नहीं है क्योंकि घर से बाहर निकलते ही उनका सामना पानी से भरी हुई सड़कें कर रही हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है गुरुग्राम की जहां सड़कों पर चलना मुश्किल, सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है जो पैदल लोग सफर तय करते हैं या दोपहिया वाहन
उन्हें बेहद मुश्किल, और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और जयपुर से हमारे सहयोगी भरत चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां वो कनौता बांध के पास है, जहां 5 लोग लड़के डूबे हैं। आप भरत, अगर बात की जाए बच्चों का जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसके बारे में भी जानकारी दें, और किस तरह से लोगों की मुश्किलें अभी बढ़ी हुई हैं राजस्थान में ये भी बताएं। देखिए, राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते शहरों में हालत बदतर होते जा रहे हैं। अभी हम कनौता बांध पर मौजूद है, जहाँ पर कल 6 युवक इस पानी में बह गए थे, और अभी आप देखेंगे ये बांध की चादर चल रही है, जहाँ पर कल 6 युवक यहाँ पर नहाने आए थे शहर से, और इनमें से एक युवक की फिसल कर यहाँ पर नीचे चला गया। उसको बचाने के लिए 5 युवक उनके साथ में कूद गए, जिनमें से वो 5 युवक वापस नहीं लौट सके और उनकी डूबने से यहाँ पर मौत हो चुकी है। रात तक उनका सर्च ऑपरेशन चला और सिविल डिफेंस और SDRF की टीमों ने उनको सर्च ऑपरेशन यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनको बाहर निकाला। उनके शव अब SMS अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं, और लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ, लगातार यहाँ पर जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं, उनके मना करने के बावजूद वहाँ पर वो नहाने के लिए चले गए, और काई जो यहाँ पर छाई हुई है उसके चलते वहाँ पर फिसलन हो गई और वह बहाव में बह गए, नहाते नहाते बहाव में बह गए, और ये बड़ा हादसा यहाँ पर कल वर्ष यहाँ पर हो गया, जिसके चलते 5 युवक यहाँ पर डूब गए और उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश भर के तमाम जिलों की बात की जाए तो लगातार बारिश का दौर जारी है और मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है। मौसम विभाग ने भी लगातार अलर्ट जारी कर रखा है। करौली में 12 घंटे में 15 इंच बारिश हो चुकी है, जो अब तक का सारा रिकॉर्ड वहां पर टूट चुका है। और राजधानी में राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। क्या इस डैम को लेकर के किसी तरीके का कोई नोटिस लगाया गया था प्रशासन की तरफ से? क्योंकि आमतौर पर जलस्तर बढ़ता है डैम पर मॉनसून के सीजन में, पानी यहां पर इकट्ठा होता है, कई बार बांध टूट जाता है, और जिस वजह से बहाव बहुत तेज हो जाता है, लोगों को ऐसे में आगाह करना जिम्मेदारी है। क्या व्यवस्था की गई थी? देखिए, बारिश की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता है, और जैसे ही बारिश में पानी ओवरफ्लो होने की संभावना रहती है, आसपास के गांवों में अलर्ट किया जाता है, और यहाँ पर भी लगातार सिंचाई विभाग के अधिकारी अभी भी मौजूद हैं और कल से भी मौजूद थे। वो लगातार यहाँ पर 24 घंटे की उनकी ड्यूटी रहती है। वो अभी उनसे भी बातचीत हुई थी, वो बता रहे थे कि लगातार यहाँ पर युवकों को मना किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर फिसलन पर चले गए और ये बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। अभी भी आप देखेंगे तमाम लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और बांध में जिस तरीके से 24 साल बाद लगातार जिस तरह से पानी ओवरफ्लो हुआ, उसको देखने के लिए भी आसपास के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अभी आप तस्वीरों में देखेंगे स्थानीय लोग हैं, युवा है, और ये महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची है। और ये भरत, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त क्या स्थिति है, किस तरीके से प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, आपने विस्तार से बताया, बहुत बहुत शुक्रिया।